देहरादून या फिर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो अपनी प्रकृति के लिए जाना जाता है, और कल जो 13 जिले हैं प्रदेश के, इन 13 जिलों के मुख्यालय पे योग का कार्यक्रम है। इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल ऋषिकेश में रहेंगे। ऋषिकेश में परमार्थ निकेतन है, परमार्थ निकेतन के स्वामी चिदानंद मुनि के साथ वो गंगा के तट पर कल सैकड़ों बच्चों के साथ वहाँ पर योग करेंगे। इसके अलावा हरिद्वार में कार्यक्रम काफ़ी बड़ा है। हरिद्वार में जो केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह उत्तराखंड के दौरे पे हैं, आज भी उत्तराखंड में हैं, और कल सुबह वो 6 बजे के आसपास हर की पैड़ी पर योग करेंगे। इसके अलावा अगर हम पूरे प्रदेश की बात करें तो स्वामी रामदेव जी की तरफ से भी बहुत सारे आयोजन किए गए हैं, और 500 से ज़्यादा जिले और 5000 तहसीलों में उनका जो लाइव प्रसारण है योगाभ्यास का वो किया जाएगा। बहुत बड़े पैमाने पे तैयारी है, और निश्चित तौर पे जो कल का दिन है वो काफी मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं वो भी हम विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन जिस तरीके से हरिद्वार का भी जिक्र यहां पर मयंक ने किया है, तो हरिद्वार भी आपको लेकर चलते हैं। आशीष, हरिद्वार में भी विशेष स्तर पर बड़े कार्यक्रम का आयोजन होना है, केंद्रीय मंत्री भी वहां पर पहुंचेंगे, योग दिवस लोगों के साथ मनाएंगे, तो क्या कुछ प्रिपरेशन वहां पर हो रही है, और विशेष तौर पर सुरक्षा कैसी है? क्योंकि जब दिग्गज हस्तियां पहुंचती हैं तो सुरक्षा के लिहाज से भी ये महत्व पूर्ण हो जाता है जानना समझना। जी देखिए, बिल्कुल, क्योंकि हरिद्वार तो वैसे भी सेंसिटिव है और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था खासी देखी जा रही है। खुद अभी थोड़ी देर पहले डीएम एसएसपी हर की पैड़ी पहुंचे हैं, उन्होंने यहाँ हर की पैड़ी पर जायजा लिया है सुरक्षा व्यवस्था का। लेकिन जिस तरह से इस बार जो योगा है उसको कहीं ना कहीं अध्यात्म और धर्म से टच देने की कोशिश की गई है, चाहे वो अयोध्या में इस बार राम की पैड़ी पर हो रहा हो योगा। इसके अलावा अगर हरिद्वार की बात करें, यहाँ पर हर की पैड़ी पर खुद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह है, मुख्यमंत्री ऋषिकेश जा रहे हैं, और अगर बात बाबा रामदेव की करें, वो खुद इस बार हरिद्वार में पतंजलि वेलनेस में सेंटर में बकायदा योगा कराएंगे। आचार्य बालकस में राजधानी दिल्ली में बकायदा रामलीला मैदान में योगा कराएंगे। तो कुल मिला के इस बार योगा को अध्यात्म और धर्म से जोड़ने की पूरी तरह से अध्यात्म और धर्म से योगा को जोड़ा जा रहा है, और लोगों तक एक संदेश पहुंचाने की कोशिश की जा रही है।